हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्नेहलता दुबे आपको बताऊंगी कि कच्चे नारियल से दूध कैसे निकाला जाए। इसके लिए मैंने एक कच्चे नारियल लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। मैं पहले इसे जार में डालकर ग्राइंड करूंगी, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर पतला ग्राइंड करूंगी। फिर किसी छन्नी या कपड़े की सहायता से हम नारियल दूध निकाल लेंगे। अभी हम ग्राइंडर में डाल दे रहे हैं अपना कोकोनट। मैंने अपना कोकोनट ग्राइंड कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। 3 से 4 मिनट आप सूखा इसे ग्राइंड करिएगा चला चला कर, और फिर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी, फिर इसे चलाऊंगी। करीब 1/2 कप पानी ऐड करिए, मीन्स 125 ml पानी आप। मैं दोबारा इसे ग्राइंड करी और फिर मैं ऑफ कर दी हूँ स्विच। अब मैं इसे निकालूंगी। मैंने बर्तन में छन्नी लगा दिया है और एक छोटा सा मैशर रखा है, जिससे मैं दबा दबा के मिल्क बाहर निकालूंगी नीचे। देखिए, आप किसी भी करछी या चम्मच से अपने मिल्क को निकाल सकते हैं। आप चाहें तो कपड़े का भी यूज कर सकते हैं मलमल के। मैंने इसकी सहायता से, ये हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट निकला है मिल्क का। देखिए, आपको सेकंड एक्सट्रैक्ट निकालना होगा, तो आपको फिर इसे ग्राइंड करना होगा दोबारा डालकर। दोबारा नारियल आप ग्राइंडर में डालेंगे। मैंने फर्स्ट एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। अब सेकंड एक्सट्रैक्ट के लिए जाली में से जो नारियल बचा था उसे मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी मैं डालूंगी ग्राइंडर में, 1 कप, ताकि हमारा सेकंड एक्सट्रैक्ट निकल सके। इस दूध से आप नारियल का तेल भी बना सकते हैं। सेकंड एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए 3 से 4 मिनट ग्राइंड कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप अपनी जाली में डालिए। जिस जाली से हमने फर्स्ट एक्सट्रैक्ट निकाला था, सेम वही जाली में सेकेंड एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए करूंगी। ऐसे आप पूरा अपना नारियल निकाल दीजिए, और उसके बाद प्रेस करके देखिए, ऐसे धीमे धीमे कंप्लीट प्रेस करके आप पूरा अपना दूध निकाल लीजिए। मैंने अपना मिल्क पूरा निकाल लिया है, सेकंड एक्सट्रैक्ट इस बर्तन में, और ये डेसिकेटेड कोकोनट हो गया। आप चाहें तो इसे अपना धूप में सुखा कर रख सकती हैं पंखे में, या इसे तुरंत ही आप थोड़ा सा रोस्ट करके इसका लड्डू बना सकती हैं, या किसी भी यूज में ले सकती हैं। ये आपका डबल यूज हो गया। एक आपने मिल्क निकाल लिया, ये हमारा है फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, और ये हमारा है सेकंड एक्सट्रैक्ट। इन दोनों को आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। आपको अगर हमारे ये कोकोनट मिल्क निकालने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।